वो भारत की पहली महिला वकील थी। उन्होंने पर्दा प्रथा झेली और मर्दों के अत्याचार का सामना करती कई औरतों को इंसाफ दिलाने में मदद की, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। लगभग अकेले लड़ाई लड़के कई दफ़ा अपनी जान जोखिम में डालकर। उन पर कई जानलेवा हमले हुए लेकिन हर बार वो बच निकली और अपने लक्ष्य पर डटी रहीं। उन्हें भारत और ब्रिटेन में महिलाओं को कानूनी क्षेत्र में उतारने और वकालत की इजाज़त दिलवाने का श्रेय है। कॉर्नेलिया का जन्म नवंबर 1886 में नासिक में हुआ था। भारत में तब ब्रिटिश राज था। उनके माता पिता पारसी थे लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। वो ब्रिटिश राज से प्रभावित थे और उन्हें लगता था कि उनके बच्चों की कामयाबी का रास्ता इंग्लैंड से होकर ही जाएगा। कॉर्नेलिया पढ़ाई में अच्छी थी और तब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने वाली पहली महिला बन गई। उन्होंने वहां ब्रिटेन में आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी हासिल की। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ने वाली पहली महिला बनी लेकिन अंतिम परीक्षा में उन्हें मर्दों के साथ बैठकर परीक्षा देने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्होंने उसके खिलाफ अपील की। आखिरकार परीक्षा शुरू होने के चंद लम्हों पहले ही यूनिवर्सिटी ने अपने नियमों में बदलाव करके उन्हें परीक्षा देने की इजाज़त दे दी। इस तरह से वो ब्रिटेन में पहली महिला थी जिन्हें बैचलर ऑफ सिविल लॉ परीक्षा में बैठने की अनुमति मिली। वो अपने खत में लिखती हैं कि मैं एक कानून की पढ़ाई करना चाहती थी। जब मेरी तमन्ना पूरी हो गई तो मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया। ऑक्सफोर्ड से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आई। यहाँ वो बैरिस्टर के तौर पर काम करके अपनी आजीविका चलाना चाहती थी लेकिन तब भारत और ब्रिटेन में महिलाओं को वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं था। उस वक्त भारत में कई रियासतें हुआ करती थी। कॉर्नेलिया का कई शाही परिवारों में आना जाना हुआ करता था। वहाँ उन्होंने पाया कि उन परिवारों की महिलाओं को मर्दों की हुकूमत में रहना पड़ता है, उनके अपने कोई अधिकार नहीं थे। भारत में उन दिनों पर्दा प्रथा थी। महिलाओं को परिवार से बाहर के पुरुषों से बात करना तो दूर, उन्हें देखना की भी इजाज़त नहीं थी। कॉर्नेलिया ने पाया कि कई महिलाएं परिवार के पुरुषों के अत्याचार सह रही है, उन्हें परिवार की संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं होता था। आवाज़ उठाने पर कई बार महिलाओं का कत्ल भी कर दिया जाता क्योंकि बाहर के लोगों को घर के अंदर घुसने की मनाही थी और महिलाओं को बाहर जाने पर पाबंदी थी। तो औरतों पर हो रहे जुल्मों की बात अधिकारियों तक या पुलिस तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में कॉर्नेलिया ने इन महिलाओं की मदद करने की ठानी। उन्होंने सरकार से अपील की कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय की औरतों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए उन्हें सरकार का कानूनी सलाहकार बनाया जाए, लेकिन सरकार ने तब नियमों का हवाला देकर उनकी मांग ठुकरा दी। वो किसी न किसी बहाने से इन परिवारों में दाखिल हो जाती और फिर महिलाओं से दोस्ती करके उनकी हालत के बारे में पता करती, फिर पुलिस और अधिकारियों की मदद से उन्हें राहत दिलवाती। खुद कॉर्नेलिया पर भी कई जानलेवा हमले हुए हैं। कई रियासतें उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी। उन्हें लगता था कि औरतों को पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए और कॉर्नेलिया उनके हक की लड़ाई लड़कर संस्कृति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। कई वर्षों बाद आखिरकार 1919 में ब्रिटेन ने कानून में बदलाव करके महिलाओं को भी कानूनी क्षेत्र में आने की इजाज़त दे दी, जिससे महिलाओं के वकील और जज बनने का रास्ता साफ हो गया। नियमों में बदलाव की वजह से कॉर्नेलिया के बेअधिकारिक रूप से वकील बनने का रास्ता साफ हुआ। वो भारत की पहली महिला वकील बनी लेकिन वकील बनने के बाद भी उनकी राह आसान नहीं थी। उस वक्त जज महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते थे। वो पुरुष वकीलों की दलीलों को बड़ी गंभीरता से सुनते थे लेकिन महिला वकीलों को उतनी तवज्जो नहीं देते थे। महिलाओं को वकालत के क्षेत्र में प्रवेश दिलवाने का उन्हें काफ़ी कुछ श्रेय जाता है। ब्रिटेन की पहली महिला बैरिस्टर हेलेना नॉर्मेंटन ने कहा था, कॉर्नेलिया सौरभ जी ने दमदार तरीके से महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी और औरतों को वकालत की अनुमति दिलवाने में उन्होंने पुरजोर संघर्ष किया है। उसी के बदौलत आज मैं वकील बन पाई हूँ। बाद में वकालत से रिटायर होने के बाद वो लंदन जाकर बस गई। साल 1954 में 88 साल की उम्र में उनका वहीं निधन हो गया।